हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। सो आज के वीडियो में हम ऑटोमेट करने वाले हैं अपने व्हाट्सएप मैसेज को। जस्ट लाइक हमें किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने पाइथन कोड से। तो इस वीडियो में मैं कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जस्ट लाइक पाई वॉटकिट एंड पाई ऑटो जीवाई। ये सब लाइब्रेरीज भी व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, बट ये सब लाइब्रेरीज कभी भी वर्क करना बंद कर देते हैं, वो कुछ फिक्स नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं सेलेनियम का यूज़ करूँगा एंड सेलेनियम का यूज़ करके अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने की ट्राई करूँगा। तो जितने भी मार्केट में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल है वो सब अपने कोड में सेलेनियम का ही यूज़ करते हैं। तो मैं एक अपने प्रोजेक्ट का डेमो दिखाता हूँ एंड यहाँ पे अपने कोड को रन कर रहा हूँ। मैंने कोड को जैसे ही रन किया, यहाँ पे मेरा वेव व्हाट्सएप चालू हो गया एंड यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ अपने अकाउंट में। जैसे ही मेरा लॉगिन हो गया, अभी मेरा कोड अभी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मेरा CMD में मुझे एक मैसेज दिखेगा स्टार्ट करके, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। तो अब जैसे मेरा कोड स्टार्ट हो गया, सबसे पहले ये सर्च आइकन पे क्लिक करेगा एंड आफ्टर दैट सर्च करेगा एंड मैं यहाँ से नंबर इनपुट करूँगा जो मैंने नंबर डाला है एंड उसके बाद ये नंबर पर क्लिक करेगा। अभी आप जैसे यहाँ पर मेरा राइट साइड में होता है सेंड की एंड अभी क्लिक ऑन फर्स्ट चैट हो गया एंड अभी इसके बाद मैसेज सेंड करेगा, मैसेज टाइप करेगा जो मैंने कोड में लिखा है एंड यहाँ पे सेंड पे बटन पे क्लिक करेगा एंड मैसेज सेंड कर देगा। ओके तो अब दोस्तों ये मैसेज अभी सेंड हो गया 8:26 को एंड अभी टाइम भी 8:26 हो रहा है और मेरा कोड यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हो गया। ओके तो ये रहा हमारा कोड का ओवरव्यू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोड को। तो मैं ओपन करता हूँ अपने VS कोड को। तो यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो चुका है एंड अभी मुझे कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने फाइल में जाता हूँ एंड डॉक्यूमेंट में एंड यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ व्हाट्सएप नाम का, ताकि मैं उसमें सब अपना कोड को स्टोर कर सकूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप नाम का फोल्डर ओपन कर लिया, बना लिया एंड उसके अंदर आप जैसे अभी कोई भी फाइल्स नहीं है तो अभी हम फाइल्स इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं VS कोड से उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर कहाँ था, डॉक्यूमेंट में व्हाट्सएप। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर ले रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप फोल्डर में अभी कुछ भी फाइल्स नहीं है क्योंकि हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल हमें फाइल का नाम लेना है main.py। ओके एंड अभी सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सेलेनियम। तो सेलेनियम इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड यहाँ पे कमांड लिखना है pip इंस्टॉल सेलेनियम और ये सेलेनियम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साइड में फटाक से होगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसके वजह से एंड आपके साइड पे कुछ टाइम लग सकता है इसको इंस्टॉलेशन होने में। तो अभी स्टार्ट करते हैं लिखना कोड को। तो सबसे पहले मुझे मैंने सेलेनियम इंस्टॉल कर लिया तो मुझे अभी सेलेनियम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ओके सिंपल हमें लिखना है फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर। अभी मैंने वेब ड्राइवर तो लिख लिया बट मैंने वेब ड्राइवर मेरे पास है कहाँ, मैंने अभी वेब ड्राइवर कोई डाउनलोड नहीं किया है। वेब ड्राइवर क्या होता है कि सपोज मैं वेब डॉट व्हाट्सएप को ओपन करूँगा तो मुझे कोई ड्राइवर में ओपन करना पड़ेगा, या तो फायरफॉक्स ड्राइवर में ओपन करना पड़ेगा या तो क्रोम ड्राइवर में ओपन करना पड़ेगा जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल होता है क्रोम, उसमें नहीं होता। उसके लिए सेलेनियम के लिए हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके तो सिंपल यहाँ से मैं अपने जाता हूँ ब्राउज़र में, मैं क्रोम गूगल क्रोम में जा रहा हूँ और उसके बाद अभी हमें गूगल क्रोम का वेब ड्राइवर इंस्टॉल करना है, मतलब बिन डाउनलोड करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे ये साइट पे जाना है chromedriver.chromium.org/downloads। मैं साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत सारे वर्जन मिल रहे हैं, क्रोम ड्राइवर 100, 99 point something। तो मैं यहाँ पे कोई एक स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं क्रोम ड्राइवर 99.0, तो मैं ये वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आप देखते हो कि मुझे बहुत सारे OS के क्रोम ड्राइवर मिल रहे हैं, मुझे लिनक्स का मिल रहा है, मैक का मिल रहा है एंड विंडोज़ का मिल रहा है। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो विंडोज़ का 32 ही बिट का मुझे क्रोम ड्राइवर मिल रहा है। ओके अगर आपका सिस्टम 64 बिट का भी है तभी भी आपको यही डाउनलोड करना है क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है। सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड सो इन फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करके
अपने व्हाट्सएप फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, एंड अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा क्रोम ड्राइवर का ये जो फाइल है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे यही क्रोम ड्राइवर चाहिए था। अगर आप मेरे अगर आप अपने साइट से फायरफॉक्स ब्राउज फायरफॉक्स ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस जो आपका वेब व्हाट्सअप रहेगा वो फायरफॉक्स में ओपन होगा और मेरा क्रोम में ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेन डॉट पी वाई फाइल आ गया एंड मेरा ड्राइवर आ गया। ओके, तो अभी हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर कर लिया है। ओके, एंड अभी मुझे ड्राइवर को जो मेरा ड्राइवर ड्राइवर को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं लिखूंगा ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। तो यहाँ पे मैंने क्रोम का वेब ड्राइवर लिया, ऐसे मैं क्रोम लिखा। अगर आप फायरफॉक्स का डाउनलोड करोगे तो आपको फायरफॉक्स लिखना पड़ेगा। एंड जो ड्राइवर हमने डाउनलोड किया था उसका हमें लिंक डालना है। तो यहाँ पे मैं इसका फाइल नेम कॉपी करता हूँ क्योंकि वो सेम ही फोल्डर में है। इसके वजह से मुझे केवल एक ही स्लाइस लिखना है एंड यहाँ पे फाइल नेम पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ड्राइवर गेट हो गया है। ओके, एंड मीन्स मेरा अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो मेरा ड्राइवर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्राइवर डॉट गेट। अभी मुझे क्या गेट करना है, वेब डॉट व्हाट्सअप का लिंक। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम में एंड यहाँ से मैं वेब डॉट व्हाट्सअप का लिंक उठाता हूँ। अब जैसे ये जो वेब व्हाट्सअप के ये लिंक है मेरा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा वेब डॉट व्हाट्सअप का लिंक ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं टर्मिनल में जाता हूँ एंड यहाँ से इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ CLS लिख के। एंड अगेन मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी रन कर सकता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आप यहाँ टर्मिनल में भी देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे मेरा क्रोम ड्राइवर ओपन हुआ। ओके, एंड कहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्रोम ड्राइवर ओपन हुआ एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे वेब डॉट व्हाट्सअप ओपन हो गया। ओके, एंड कुछ ये तीन या चार कुछ मुझे वार्निंग्स आते हैं देव टूल्स एंड ये सब के, आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंटरनेट पर सर्च किया बट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आपके माइट भी मैंने अपने लिनक्स सिस्टम में देखा था तो मुझे ये वार्निंग्स नहीं आ रहे थे, बट ये उबंटू में शायद मेरे ही सिस्टम में वार्निंग आ रहे। तो अगर आप में नहीं आ रहेंगे तभी भी चलेगा, अगर आ भी रहे हैं बाय मिस्टेक तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसका। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमने वेब व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है। हमारा अभी फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट टास्क हो गया, हमारा वेब व्हाट्सअप ओपन हो गया है। ओके, एंड अभी मैं इसको अभी हम एलिमेंट को गेट करेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेब व्हाट्सएप को लॉगिन करना है। सिंपल लिंक डिवाइस में जाना है आपको अपने मोबाइल के एंड यहाँ पे आपको आपका व्हाट्सएप स्कैन कर लेना है। तो आप जैसे ही स्कैन करोगे आपका व्हाट्सएप इधर पे शो करने लगेगा। ओके, एंड सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये आप देखो टास्क बार ये ऊपर सर्च बार पर हमें क्लिक करना है। तो सर्च बार पे सबसे पहले हमें सर्च बार पे क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें नंबर टाइप करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले हम वो टास्क कर लेते हैं। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तभी मेरा सर्च बार पे क्लिक हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये सर्च वाला आइकन दिख रहा है, अगर मैं सर्च वाले आइकन पे भी क्लिक करूँ तभी मेरा ये टाइप वाला बॉक्स ओपन हो जा रहा है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये जो सर्च वाला आइकन है इसको मैं गेट करता हूँ। इसका हमें क्लास नेम गेट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड स्पेक पे आऊँगा। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें इसका पेरेंट क्लास देखना है कि हाँ ये इसका पेरेंट क्लास है, तो हमें इसके अंदर जाना है फिर इस पर क्लिक करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ ये बटन पे, तो बटन क्लास इज इक्वल टू ये जो भी इसका है। तो अब जैसे यहाँ पे मेरा ये जो यहाँ पे मुझे एक ब्लू कलर का बॉक्स मिला है, मीन्स मैं वो पर्टिकुलर चीज़ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं देखो अगर मैं कर्सर को यहाँ लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते कि मेरा पूरा सर्च बार ही
मेरा पूरा सर्च बार ही सेलेक्ट हो जा रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल वो सर्च आइकन पे क्लिक करना है। ओके सिंपल। तो यहाँ पे मैं ये सर्च आइकन का मुझे क्लास मिल गया। तो आप देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है बटन क्लास इज इक्वल टू ये जो क्लास नेम, क्लास नेम लिखा है। ओके तो सिंपल यहाँ यहाँ से हमें ये क्लास नेम कॉपी करना है और हम यहाँ से कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। तो हम यहाँ से कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, वन ऑफ वन मीन्स हमारा ये जो क्लास नेम है पूरे पूरे इंस्पेक्ट एलिमेंट में यूनिक है। ओके अगर हम बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा क्लास नेम होता है वो क्लास नेम दो बार होता है तो हमें वो अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है कि हमें फर्स्ट या सेकंड वाला ही क्लास नेम चाहिए। ओके तो अभी हमारे यहाँ पे एक ही मिल रहा है क्लास नेम। सिंपल हमें यहाँ यहाँ से ये क्लास नेम कॉपी करना है और जाना अपने कोड पे और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सर्च आइकन। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया सर्च आइकन क्योंकि हम सर्च आइकन पे क्लिक कर रहे हैं। एंड सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट एंड अभी मैं किससे गेट कर रहा हूँ, हम यहाँ से बहुत हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गेट करने का। हम स्पैन स्पैन से भी गेट कर सकते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर आईडी से भी गेट कर सकते हैं। तो अभी हम ये वीडियो हम क्लास से ही जितने भी आईडी रहेंगे मतलब जितने भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को हमें इंस्पेक्ट करना रहेगा तो हम उसको क्लास से ही गेट करेंगे। ओके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फाइंड एलिमेंट, यहाँ मुझे बाय लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम क्योंकि मैं क्लास नेम से गेट कर रहा हूँ। ओके कॉमा और जो मेरा क्लास नेम था मुझे वहाँ पर वो पेश करना है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे डॉट क्लिक करना है यानी मुझे वो पर्टिकुलर सर्च आइकन पे जाके मुझे उस पर क्लिक करना है। ओके तो इसलिए मैंने डॉट क्लिक फंक्शन लिखा तो मैंने यहाँ पे डॉट क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके बट आप देखते हैं यहाँ पे मेरा जो ये बाय है बाय पे मुझे ये वार्निंग दिख रहा है, माइंड यू मैंने बाय को इम्पोर्ट नहीं किया इसकी वजह से मुझे ये वार्निंग दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा क्यों इम्पोर्ट हो गया, मैंने इम्पोर्ट नहीं किया, मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक इम्पोर्ट हो गया था, ये ऑटोमेटिक हो गया था। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट अभी हम बाय को इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम सेलेनियम के वेब ड्राइवर से, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन से कॉमन डॉट बाय से मैं इम्पोर्ट करूँगा बाय को इम्पोर्ट बाय। ओके तो अभी ऐसा कि जो मेरा वार्निंग था ये बाय पे वो वार्निंग चले गया है। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने सर्च आइकन पे क्लिक कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे मेरा एक कोड फटेगा क्योंकि अगर मैं ड्राइवर डॉट गेट करूँगा एंड मेरा यहाँ पे HTTPS वेब व्हाट्सअप ओपन होगा। ओके बट जो स्कैन होगा स्कैन होने में एटलीस्ट कुछ टाइम लगेगा, मीन्स एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा स्कैन होने में। अगर मैं कुछ मुझे यहाँ पे एक टाइम स्लिप देना पड़ेगा ताकि यहाँ 10 से 15 सेकंड का टाइम का वेट करे एंड आफ्टर दैट मेरा ये सर्च वाला आइकन पे मेरा कोड जाए। ओके तो यहाँ पे ये देता हूँ टाइम डॉट स्लिप और यहाँ पे मैं 15 सेकंड का यहाँ पे उसको यहाँ पे स्लिप दे दूंगा, यहाँ पे मेरा कोड आके 15 सेकंड के लिए होल्ड हो जाएगा एंड उसके बाद ही 15 सेकंड के बाद मेरे सर्च आइकन पे जाएगा। ओके तो अब दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जैसे ही टाइम डॉट स्लिप लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम मेरा इम्पोर्ट हो गया। ओके तो ये गुड थिंग है वीएस कोड का, ये ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ इम्पोर्ट कर लेता है। ओके एंड अभी मैंने सर्च आइकन पे क्लिक कर दिया है अपने कोड से एंड यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ अपने देखने के लिए मेरा कोड स्टार्ट हो मतलब मीन्स वहाँ तक पहुँच गया कि नहीं मेरा कोड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन डॉट क्लिक ऑन सर्च आइकन। ओके एंड यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा कोड यहाँ से कोड रन होना स्टार्ट हो गया है। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन फिर से उस कोड को रन कर रहा हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल को एंड जैसे मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे सामने सबसे पहले वेब व्हाट्सअप चालू हो गया। ओके तो आप यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हो कि हमारा कोड कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा वेब व्हाट्सअप चालू हो गया बट यहाँ पे मुझे एक एरर आया, मेरा एरर क्या था,
बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्लीप, ये कौन सा एरर है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्लीप। ओके, तो फ्रॉम टाइम ने हमें नहीं करना, ये हमारा कोड ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया था, बट हमें ये खाली इंपोर्ट टाइम करना है। ओके, एंड अभी हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल को। तो यहाँ पे मेरा पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन साइड में मेरा रन भी हो रहा है और यहाँ पे मेरा फाइल ओपन किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप दिया था। आप देख सकते हो कि अभी तक मेरा स्कैनर अभी तक लोड नहीं हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये कुछ टाइम लगता है लोड होने में, या तो आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप इससे, यहाँ पे मेरा कोड फट चुका है क्योंकि मेरा ये वेब व्हाट्सअप पूरा लोड नहीं हो पाया था। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 15 सेकंड से इसको 20 सेकंड कर देता हूँ, एंड अगेन एक बार अपना कोड को रन करके देखता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल। तो यहाँ पे मेरा वेब डॉट व्हाट्सअप डॉट कॉम ओपन हो रहा है, तो एंड यहाँ से मुझे यहाँ से इसको अभी स्कैन करना है, तो यहाँ से मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वेब व्हाट्सअप लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो अब इसलिए मेरा यहाँ पे मेरा वेब व्हाट्सअप लॉगिन हो गया है, एंड अभी मुझे आप यहाँ डाउन साइड कमांड में देखो, आप जैसे यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया, एंड अभी मुझे एक क्लिक ऑन सर्च आइकन में मेरा क्लिक होगा। ओके, कोड मेरा ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, तो अभी हम देखते हैं हमारा क्लिक होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट हो गया है एंड ओके, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरा ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया क्लिक ऑन सर्च आइकन, और आप देखते हैं यहाँ पे मेरा लिखने का मीन्स मुझे टाइप करने का एक ऑप्शन आ गया। ओके, तो सिंपल अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप करना है, मीन्स हमें नंबर टाइप करना है। ओके, तो नंबर को टाइप करते हैं हम अभी, तो इसका यहाँ पे भी एक टाइम डॉट स्लिप देता हूँ ताकि मेरा कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन रन होने में एटलीस्ट दो से तीन सेकंड तो लगेंगे ही, तो यहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लिप 5 सेकंड का दे दे रहा हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे कोई एक नंबर, ओके, तो मुझे अभी नंबर सर्च करना है वो यहाँ पे वो सर्च बार में, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, यस सर्च सर्च न्यू चैट, यहाँ से मैं सर्च न्यू चैट एक वेरिएबल का नाम ले लिया। ओके, एंड मैं अभी फिर से लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट बाय डॉट क्लास नेम। ओके, एंड यहाँ पे मुझे अभी क्लास नेम लिखना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर का क्लास नेम क्या होता है। यहाँ पे मैं यूज हेयर पे क्लिक करता हूँ, तो मैं आ गया हूँ अपने मेन क्रोम में, और मैं अभी मुझे ये अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया, अभी मुझे यहाँ पे कुछ कीज सेंड करने पड़ेंगे, यहाँ पे मतलब मुझे अपना नंबर सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका क्लास नेम गेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं इसके पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्लास पे आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसके सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके मेन क्लास पे जाना है। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ, तो आप देखते हो अगर मैं यहाँ पे उसके ऊपर साइड जा रहा हूँ तो ये मतलब मुझे पूरा आ रहा है। ओके, बट मुझे पूरा नहीं चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, ये ड्यू टाइटल इज इक्वल टू सर्च इनपुट बॉक्स है, रोल इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, तो आप देखते हैं यहाँ पे मुझे क्लास नेम दिख रहा है, क्लास नेम इज इक्वल टू अंडर स्कोर 13 एन के टी। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग के इतने ही वर्ड को कॉपी करूँगा, अंडरस्कोर 13 एंड के टी, क्योंकि स्पेस के बाद का उस काउंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एफ करता हूँ यहाँ पे एंड कंट्रोल वी करता हूँ। ओके, तो आप जैसे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी किया मैंने, तो आप जैसे कि मुझे केवल एक ही क्लास नेम मिला। ओके, मीन्स ये जो मेरा क्लास नेम है यूनिक है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा क्लास नेम 2 या 3 बार दिखता है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँ, यूज़ कर सकते हैं बट उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस है। तो सिंपल अभी हमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास नेम डाल दिया। ओके, बट यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे उसको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक कर दिया है, एंड मुझे यहाँ पे अभी क्या करना है कि जो कीज़ को सेंड करना है, मीन्स हमें नंबर को यहाँ पे सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे मैंने जो वेरिएबल लिया था, वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, सर्च न्यू चैट डॉट सेंड कीज़। ये क्या करता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल मीन्स उस पर्टिकुलर सर्च बार में कीज सेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा कीज मैं एक नंबर डाल लेता हूँ 8446809।
9692। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि ये नंबर पर्टिकुलर वहाँ उस बॉक्स में सेंड करेगा। ओके, एंड तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंड अंडरस्कोर कीज इन। मैं कहाँ सेंड कर रहा हूँ, सर्च और स्टार्ट न्यू चैट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सर्च और स्टार्ट न्यू चैट। जो प्रिंट स्टेटमेंट अपने खुद के लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, मतलब मेरा मैं समझ सकूँ कि मेरा कोड कहाँ पे फट रहा है, मीन्स कहाँ पे मेरा कोड ब्रेक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंड कीज कर लिया एंड अभी देखते हैं कि हमारा की सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इस कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ लास्ट में और सिंपल यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंड। ओके, तो अभी तक मैंने खाली दो फंक्शनलिटी किया। मैंने स्टार्टिंग से क्या किया था कि मैंने पहले तो सैलरी नेम इम्पोर्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को ओपन किया एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे वेब वेब डॉट व्हाट्सअप को ओपन किया एंड मैं वहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक किया इसकी क्लास नेम से एंड ये सेकेंड वाले क्लास नेम से मैं वहाँ पे कीज को सेंड कर रहा हूँ। ओके, बस मैंने अभी तक दो ही क्लास नेम को गेट किया है। तो यहाँ पे फिर से पाइथन डॉट मेन फाइल को रन करता हूँ। ओके, तो अगेन मेरा वेब व्हाट्सअप ओपन हुआ एंड मैं यहाँ से जाता हूँ अपने लिंक डिवाइस में एंड इसको यहाँ से लिंक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे वेब व्हाट्सअप चालू हो रहा है। आप नीचे भी देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग बोला है, तीन चार कुछ वार्निंग आते हैं, सब कुछ आप इतना ध्यान मत दो। ओके, तो यहाँ पे मेरा कोड स्टार्ट हो गया है एंड सबसे पहले मेरा सर्च आइकन पे क्लिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे क्लिक ऑन सर्च आइकन, यहाँ पे मेरा सर्च आइकन पे क्लिक हो चुका है एंड सेकंड यहाँ पे जो मैंने नंबर पास किया वो मेरा नंबर पास होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नंबर पास हो गया है। ओके, एंड अभी मेरा यहाँ पे नंबर पास हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि ये पर्टिकुलर जो मेरा जो फर्स्ट आ रहा है, अगर मैं नंबर सर्च करूँगा तो मेरा जो फर्स्ट डायलॉग रहेगा मुझे इस पर क्लिक करना है, मीन्स इस पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट मैसेज सेंड कर मैसेज टाइप करना है एंड यहाँ पे मैसेज को सेंड करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले हमारा थर्ड टास्क है कि हमें यहाँ पे इसको क्लिक करना है। ओके, तो अभी हम उसको देख लेते हैं कि उसका क्लास नेम क्या होगा, उसको क्लिक करने का क्लास नेम। तो यहाँ पे मैं यूज हेयर अगेन क्लिक करता हूँ। तो काफ़ी टाइम ले रहा है ये लोड होने में। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोड हो चुका। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर सर्च करता हूँ, तो मैंने नंबर क्या सर्च किया था, 8446809692। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर सर्च किया। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं कोई भी अगर पर्टिकुलर अगर राइट नंबर सर्च करूँगा या तो राइट नंबर सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट डायलॉग में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है एंड इंस्पेक्ट। तो आप जैसे यहाँ पे मेरा इंस्पेक्ट बटन नहीं आ रहा है, तो मुझे कहीं राइट साइड पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे इंस्पेक्ट करना है। ओके, एंड मुझे उस क्लास पे पर्टिकुलर जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी किस पे इंस्पेक्ट हूँ, चैट पे। ओके, तो मैं इसके नीचे वाले क्लास पे जाऊँ। तो आप जैसे कि मैं अभी फर्स्ट वाले क्लास पे आ चुका हूँ। ओके, अभी मैं फर्स्ट वाले क्लास पे आ चुका हूँ। तो सिंपल मुझे क्या मिल गया, इसका ये एक क्लास नेम मिल गया। तो सिंपल यहाँ से मैं इस क्लास नेम को कॉपी करूँगा, _3mxw, यहाँ से उसको मैं कॉपी करूँगा। अभी मैं नया वेरिएबल का नाम देता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अगर मुझे वही लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम। एंड मेरा क्लास नेम क्या था, ये मेरा क्लास नेम था। अभी मुझे क्या करना था, मैंने क्या बोला, मैंने ये मेरा कोड क्या करेगा कि यहाँ तक ये लोकेट कर लेगा, मीन्स यहाँ तक ये मेरा कोड आ जाएगा एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको क्लिक भी करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा एंड यहाँ पे मेरा डॉट क्लिक कर लूँगा और सिंपल यहाँ से मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि मैंने थर्ड क्या किया, थर्ड पर मेरा कोड क्या चल रहा है, क्लिक ऑन फर्स्ट चैट। ओके, तो मैं इसके ऊपर एक टाइम डॉट स्लिप डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने में एटलीस्ट दो से तीन सेकंड तो लगता है, तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि मेरा कोड फटे ना। एंड अभी मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ। अगर मैं फिर से पाइथन मेन डॉट पी ऑफ एल को रन करता हूँ,
मुझे फिर से अपने डिवाइस को लिंक करना है, तो यहाँ से मैं अपने डिवाइस को स्कैन कर लेता हूँ। एंड अभी मैंने यहाँ पे मेरा तीन काम हो चुका है। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा कि सर्च आइकन पे क्लिक होगा, एंड सेकंड क्या होगा कि जो मैंने सेंड की पास किया मीन्स जो मैंने नंबर पास किया वो नंबर पास होना चाहिए, एंड थर्ड मेरा क्या होना चाहिए कि फर्स्ट चैट पे क्लिक होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। फर्स्ट फर्स्ट हमारा वर्क कर दिया, सेकेंड हमारा की सेंड होना चाहिए यानी जो हमारा नंबर सेंड होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते मेरा नंबर सर्च हो गया है, एंड अभी मुझे फर्स्ट साइट पर क्लिक करना है। ओके गाइस, तो आप देख सकते यहाँ पे मेरा फर्स्ट साइट पर मुझे क्लिक हो गया है। ओके, एंड अभी सिंपल हमें एक ही टास्क बचा है कि हमें यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, मीन्स हमें यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करके एंड यहाँ पे हमें उसको सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो अभी हमें दो दो टास्क और बचा है, तो दोनों टास्क को हम कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से यूज़ हेयर पे जाता हूँ, तो मैंने क्या क्या किया, मैंने आपको क्या क्या बताया, हमने अभी कहाँ 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 तक पहुँचे। मैंने सपोज़ कोई एक हमने यहाँ पे एक नंबर सर्च किया एंड 8446809692, एंड हम फर्स्ट साइट पे क्लिक कर लिए यानी हमारा यहाँ तक कोड वर्क कर रहा है। ओके, एंड अभी मुझे ये यहाँ पे ये मैसेज मैसेज वाला बॉक्स है इसको लोकेट करना है। ओके, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। तो मैं जैसे ही इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक ड्यू टाइटल मिल गया, तो मैं यहाँ से मुझे इससे क्लास नेम कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसका क्लास नेम कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करके देखता हूँ कि एक ही की दो है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरा दो क्लास नेम लोकेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पर जाऊँ तो आप देखते हैं कि ये मेरा ये जो सर्च बार है सर्च बार वाला भी इसका सेम क्लास नेम है, एंड सेकेंड वाले पे जाऊँ सेकेंड वाला ये मेरा ये वाला टाइप है मैसेज, यानी दोनों मेरा जो मैसेज टाइप करने का है एक जो नंबर टाइप करने का और सेकेंड मैसेज टाइप करने का उसमें दोनों का क्लास नेम सेम है। ओके, तो अभी आप लोग ये सोचो कि जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो फर्स्ट टाइम तो मुझे केवल एक ही मिला था। ओके, मुझे एक क्यों मिला था क्योंकि ये जैसे मैं वेब व्हाट्सअप लॉग इन करता हूँ तो ये जो मैसेज वाला बॉक्स है ये मेरा मैसेज वाला बॉक्स ओपन नहीं होता है। सबसे पहले खाली ये लेफ्ट वाला ही ओपन होता है। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पे दोनों ओपन हो रहा है इसलिए मेरा यहाँ पे क्लास में मैच हो रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ करना है क्या करना है, मुझे केवल पहला मींस अब अभी मुझे क्या करना है कि देखना है कि मुझे पहले वाले पे क्लिक करना है कि दूसरे वाले पे क्लिक करना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वन ऑफ वन यानी मैं यहाँ पे वन पे मेरा क्या है वन वाला क्लास नेम पे मैं ऊपर लेफ्ट साइड वाले पे क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड वाले पे जाऊँगा तो आप जैसे कि मैं टाइप अ मैसेज पे जाऊँगा। ओके, तो मुझे यहाँ मीन्स यहाँ पर मुझे सेकेंड वाले पे क्लिक करना है मीन्स सेकेंड वाले क्लास नेम पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम डॉट स्लीप फंक्शन लगा देता हूँ। टाइम डॉट स्लीप फंक्शन 5 सेकंड का मैं स्लीप फंक्शन लगा देता हूँ एंड सिंपल मैं करता हूँ कि मैंने क्या बोला था कि अभी मुझे यही क्लास नेम का एक्सेस करना है। ओके, तो मैं काम करता हूँ पूरा इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं अभी कोड को रीयूज कर रहा हूँ एंड खाली वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं वेरिएबल का नाम क्या रख रहा हूँ, मैसेज सेंड की रख देता क्योंकि मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो लिख देता हूँ MSG सेंड की। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक खाली वेरिएबल का नाम चेंज किया एंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID एंड मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मुझे सेकेंड वाले बॉक्स को मीन सेकेंड वाले क्लास नेम को लोकेट करना है। ओके, तो क्लास नेम किससे स्टार्ट होता है, 0 और 1 से मतलब मीन 0 से स्टार्ट होता है यानी सेकेंड बोले तो मेरा 1 हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे सेकेंड वाले क्लास नेम को लोकेट करूँगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे मैसेज पास करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ, हेलो राहुल दिस साइट। ओके, एंड यहाँ पे मैं सेंड की इन मैसेज बॉक्स लिख लेता हूँ, हम क्या है टाइप अ मैसेज सेंड की इन टाइप अ मैसेज में। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से क्या होगा कि मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा और ये क्या कौन सा हो जाएगा मेरा 4th हो जाएगा। ओके, तो इसी लगले मैं सेंड अगर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया ए, तो यहाँ पे मुझे जैसे टाइप करते ही मुझे यहाँ पे सेंड बटन का एक लोगो आइकन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ
फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। तो अब जैसे कि मैं फिर से वहीं पर आ गया, तो मैं यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे करके नीचे जाता हूँ और बटन क्लास को ढूंढता हूँ। ओके, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बटन क्लास को ढूंढ लिया है, बट आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे अगर माउस वर्क करूँ तो आप देखते हैं कि पूरा मीन्स पूरा पूरा ये बटन ही मुझे बटन के ऊपर वाला भी पूरा लोकेट कर रहा है। ओके, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके अंदर एक अगेन क्लिक करता हूँ एंड मुझे खाली ये चाहिए बटन क्लास का आईडी। तो यहाँ पर मैं इसका क्लास नेम कॉपी करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसका क्लास नेम कॉपी करता हूँ। तो अभी हम कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करके देख लेते हैं कि हमारा एक ही है ना, तो हमारा बटन एक ही है। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं कि अगेन मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप फंक्शन दे दे रहा हूँ 5 सेकंड का। ओके, एंड मैं अगेन एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम देता हूँ मैं सेंड बटन, एंड अगेन मुझे वही स्टब्स लिखने हैं सब, ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम कॉमा, और जो मैंने क्लास नेम कॉपी किया था वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है एंड मुझे क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक फंक्शन और यहाँ पे मैसेज देता हूँ प्रिंट, मैंने क्या किया क्लिक ऑन सेंड बटन, क्लिक ऑन सेंड बटन। ओके, एंड यहाँ पे मेरा मैसेज एंड हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लास्ट में टाइम डॉट स्लिप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसके बाद मुझे कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, और ये कौन सा है मेरा फिफ्थ वाला है। तो अभी हमारा कोड यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड अभी हम एक बार कोड को फाइनल टाइम रन करते हैं। यहाँ पे से मैं रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल को। अब इस तरह की सबसे पहला मेरा क्रोम ड्राइवर ओपन हो गया। ओके, एंड यहाँ पे मुझे अपना लॉग स्कैन करके लॉग डिवाइस को लॉगिन करना है। एंड जैसे ही लॉगिन किया सबसे पहले सर्च आइकन पे क्लिक करेगा। अब मेरा कोड स्टार्ट, हाँ अभी स्टार्ट हुआ, तो मेरा भी सबसे पहले सर्च आइकन पे क्लिक करेगा। क्लिक ऑन सर्च आइकन हो गया एंड अभी मैंने जो सेंड की यानी मैंने जो नंबर पास किए थे वो अभी टाइप होगा ऑटोमेटिक। ओके, ये भी हो गया एंड थर्ड अभी ये फर्स्ट वाला जो सजेशन बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करेगा एंड फोर्थ ये टाइप ऑटोमेटिक जो मैंने मैसेज किया था हेलो दिस साइट राहुल कुछ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया है कि वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके, हाँ तो हमें ये एरर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वन लिया, मीन्स हम क्या करें यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स कर रहे हैं, मीन्स हम एलिमेंट्स में से सेकेंड वाले एलिमेंट को लोकेट करें, तो यहाँ पे हमें फाइंड एलिमेंट नहीं लिखना है, फाइंड एलिमेंट्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सब बस फाइंड एलिमेंट्स लिख के इस कोड को अगेन हम रन करते हैं, पाइथन मेन डॉट पी फाइल को अगेन रन करता हूँ। एंड अपने डिवाइस को लिंक करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगा कि ये मैं जितने बार भी कोड को रन कर रहा हूँ तो उतने बार मुझे अपने डिवाइस को लॉगिन करना पड़ रहा है, ये तो काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं कुछ टाइम में, भी हम देख लेते हैं कि हमारा कोड यहाँ तक प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद हम वही पार्ट देखेंगे। ओके, तो हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले उसने क्लिक ऑन सर्च आइकन कर लिया है एंड सेकेंड अभी वो क्या कर रहा है कि जो हमने नंबर पास किया था वो नंबर पास करेगा। ओके, एंड थर्ड अभी क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट वाले जो सजेशन में आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे एंड फोर्थ अभी ये टाइप मैसेज करेगा जो मैं हमने मैसेज टाइप किया था हेलो दिस साइट फ्रॉम हेलो राहुल दिस साइट, अभी फिफ्थ सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो आप इस तो कि अभी जस्ट मेरा मैसेज सेंड हुआ हेलो राहुल दिस साइट। ओके, एंड मैसेज आर टाइमिंग दिस 10:21 10:21। ओके, तो हमारा कोड यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, बट अभी हमारे पास एक डिसएडवांटेज था कि हम जितने बार भी कोड को रन कर रहे हैं उतने बार हमें अपना डिवाइस को स्कैन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक हम एक ही बार हमें डिवाइस हमारा स्कैन हो जाना चाहिए, हमें बार बार डिवाइस को स्कैन करना ना पड़े। ओके, तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकालें, तो अभी उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं यूजर पर क्लिक करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने हमारा कहाँ गया, हाँ ये ड्राइवर है, हमें ड्राइवर में एक ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, तो उस ऑप्शन को हम ये ऐड करते हैं अभी।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शंस इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ऑप्शन। एंड अभी मुझे एक ऑप्शन ऐड करना है, तो मैं लिखता हूँ ऑप्शंस डॉट ऐड। ओके, एंड अभी मुझे क्या है, यहाँ क्या करना है कि जो मेरा क्रोम है मुझे उसका लिंक देना है, मतलब मीन्स लिंक डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ हाइफन हाइफन यूज़र हाइफन डेटा हाइफन डायरेक्टरी DIR एंड इज इक्वल टू। ओके, एंड अभी मुझे मेरा जहाँ क्रोम ड्राइवर है मुझे वहाँ पे जाना है, तो मोस्ट ऑफ लोग का सेम ही रहेगा, दिस पीसी में जाना है एंड लोकल डिस्क सी में जाना है एंड आफ्टर दैट अपने यूज़र में जाना है। एंड आपका यूज़र नेम क्या होगा, डेल होगा। ओके, तो डेल के बाद अभी हमें क्या करना है कि डेल के बाद अभी हमें ऐप डेटा में जाना है। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ऐप डेटा नहीं मिल रहा था, तो सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर सर्च बार है हमें यहाँ पे एक स्लैश ऐड करना है एंड हमें यहाँ पे लिखना है ऐप डेटा। ओके, तो जैसे मैं ऐप डेटा लिखूँगा तो मैं ऐप डेटा के अंदर आ जाऊँगा। आई डोंट नो कि मुझे ये फोल्डर क्यों नहीं दिख रहा था, मोस्ट ऑफ मैंने यहाँ वहाँ देखा था तो मोस्ट ऑफ विंडोज़ ब्राउज़र में ये ऑप्शन दिखता है, बट मेरे में नहीं दिख रहा था। अगर आप में भी नहीं दिख रहा है तो आप ऐप डेटा को ऐसे मीन्स ऐसे स्लैश करके आप जा सकते हैं। ओके, तो मीन्स ऐप डेटा में चले गया एंड सर मुझे लोकल में जाना है एंड मुझे उसके बाद गूगल में जाना है। तो मेरा गूगल का है गूगल, फिर उसके बाद क्रोम, आफ्टर दैट यूज़र डेटा एंड इसमें मुझे डिफ़ॉल्ट सर्च करना है। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये एक टाइप का कैचे देगा, कैचे को स्टोर करेगा एंड बार बार मुझे स्कैन करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो सिंपल यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे पार्ट को कॉपी करता हूँ और जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी के बाद पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसका मीन्स एक टाइप का कैचे मैंने सेव कर दिया एंड अगेन मैं लिखता हूँ ऑप्शंस डॉट, मैं एक आर्गूमेंट ऐड करूँगा तो ऑप्शंस डॉट ऐड आर्गूमेंट यहाँ पे भी शायद मुझे ऐड आर्गूमेंट ही करना था, तो ये ऑप्शन डॉट ऐड आर्गूमेंट मुझे यहाँ पे भी करना था और मुझे ऑप्शन डॉट ऐड आर्गूमेंट मुझे यहाँ पे भी करना है। एंड सिंपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइफन हाइफन प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल ऑलरेडी है तो वो डिफ़ॉल्ट में पहले सर्च करें। ओके, तो प्रोफाइल हाइफन डायरेक्ट्री इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, तो ये क्या कर रहा है कि पहले चेक करेगा कि प्रोफाइल उसमें है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो ही उसके बाद ही अगर रहेगा तो ये सिंपल जो करेगा कि हमें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सिंपल अगर मैं कोड को एक बार फिर से रन करता हूँ एंड मैं यहाँ से इसको कोड को एक बार रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल को, मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया, क्रोम ऑप्शन क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर हैज़ नो एट्रीब्यूट क्रोम ऑप्शन। मैंने माइट भी मुझे लग रहा है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कुछ किया है, क्रोम ऑप्शन। ओके, हाँ तो यहाँ पे मेरा क्रोम ऑप्शन आते हैं, क्रोम ऑप्शन है। ओके, तो अगर मैं सेव करता हूँ इस फाइल को, अगेन मैं पाइथन मेन डॉट पी वाई से रन करता हूँ, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ओके, तो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा वेब व्हाट्सअप ओपन हो चुका है एंड अभी मुझे यहाँ से इसको स्कैन करना है। तो मैंने अपने डिवाइस को स्कैन कर लिया है, तभी हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा रन होना। स्टार्ट हो गया हमारा कोड रनना, अब देख लो कि मेरा पांचों टास्क ऑटोमेटिक सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड मैसेज मींस नंबर ऑटोमेटिक डालेगा मेरा कोड एंड थर्ड मेरा फर्स्ट वाले पे क्लिक होगा एंड फोर्थ मेरा मैसेज टाइप होगा हेलो दिस साइड राहुल जो भी था, हेलो राहुल दिस साइड एंड फिफ्थ मेरा एंड सेंड बटन पे क्लिक हो जाएगा। ओके,
ओके, तो अभी तक यहाँ पे मेरा क्लिक हो गया एंड यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया। ओके, तो अभी मुझे, अभी हमने क्या देखा था कि हमारा, हमें जितने बार कोड को रन करते उतने बार हमें स्कैन करना पड़ा था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम हमें, हम देखते कि हमारा वो जो हमने ऑप्शन ऐड किए हैं, ऑप्शन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट हमारा ऑप्शन आई होप थिंक सो वर्क नहीं करेगा कि मैंने मैंने यहाँ पे ड्राइवर के साथ ऑप्शन पास नहीं किया। ओके, तो मेन टाइम में मुझे याद आ गया ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑप्शंस। ओके, तो अभी इसके बाद मुझे फिर से एक बार स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे स्कैन करना नहीं पड़ेगा। तो मैं अगेन इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मेरा वेब व्हाट्सएप चालू हो गया है। तो यहाँ से मैं फिर से अपने डिवाइस को मुझे लिंक करना पड़ेगा, अगेन मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक बार कोड को, मीन्स हम अपने एक बार स्कैन कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप को, तो हमें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं कर रही है। जो हमारा, हमने अभी इसके लिए ऑप्शन ऐड किए, वो ऑप्शन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ये तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारा मैसेज प्रॉपर सेंड हो रहा है। ओके, तो अब जैसे कि हमारा मैसेज सेंड हो चुका है एक बार। ओके, एंड अगर मैं, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि मेरा इस बार जो व्हाट्सअप वेब है ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई थिंक सो, मैंने इसके लिए कोड लिखा है तो वो वर्क करना चाहिए। वेब व्हाट्सअप मेरा चालू हुआ एंड ऑटोमेटिक ओपन हो जाना चाहिए, मुझे स्कैन करने की जरूरत ना पड़े। ओके, हाँ, तो अब जैसे कि मेरा ये ऑटोमेटिक स्कैन हो गया जो हमने कोड लिखा था, मीन्स हम एक बार स्कैन कर देंगे तो हमें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये देखते कि हमारा कोड ऑटोमेटिक लिखा रहा है, हमारा कोड ऑटोमेटिक, हमने इसको सब कर दिया तो हमारा कोड ऑटोमेटिक सब चलेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिक हमारा जो मैसेज है सेंड हो जाएगा। ओके, तो आप जैसे कि अभी हमारा मैसेज ऑटोमेटिक सब सेंड हो गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोड में थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो मैसेज, मीन जो हमारा नंबर है, हम इसको यूज़र से इनपुट लेंगे एंड जो हमारा मैसेज है, हम इसको हम मैसेज को भी यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, एंड देखते कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो के अपडेट के साथ। ओके, टिल देन बाय।